का रील बनाते हुए दोनों के बीच में हम गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो का फरा गया है। हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज अभी 10 बजे मैं सो के उठा हूँ, तो सूरत बोला फिर आओ चलते हैं बैंक। बैंक गए, हमारा एटीएम कार्ड आ चुका था इसलिए हम बैंक गए थे और हम अपना एटीएम कार्ड लेके आए हैं। वो ये रहा जो एक्सपायर हो गया था, तो आ चुका है। तो गाइस, अब चलते हैं अब इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ हम एक्टिवेट यहाँ करने के लिए कहीं पास में बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम चाहिए, तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। तो थोड़ा दूर पे है, यहाँ कटरा में है। तो गाइस, हम वहाँ पे जाएंगे और एटीएम कार्ड एक्टिवेट करेंगे, और मेरे साथ जा रहा है पुष्पेन, वो आ रहा है, उसके साथ जाएंगे वहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, और कहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए वही लेके जाएगा। तो गाइस चलते हैं, आज बहुत आने वाला है मज़ा। गाइस चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं कि कहाँ जाने वाले हैं आज। तो चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं। आपको बताए थे हम जा रहे एटीएम कार्ड एक्टिवेट कराने, उसके बाद चलेंगे घूमने के लिए। तो चलते हैं, चलो आगे पुष्पेन भी है, देखते हैं वो किस लिए बुला रहा है। चलते हैं भाई लोग, पहले काम करवाते हैं उसके बाद चलते हैं घूमने के लिए। टिकट नहीं होगा ना, ये तो बंद है। अब चलते हैं दूसरी जगह ढूंढते पहले बैंक से। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन से एक्टिवेट होगा, बंद है। तो गाइस बंद है, हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पे, यहाँ पे तो बंद है। अब चलते हैं गूगल करके फिर से ढूंढते हैं, चलते हैं। चलो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, चलते हैं पहले एक्टिवेट करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे, बाय बाय। तो भाई लोग, मेरा एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो चुका है और सूरज का नहीं हुआ, क्योंकि इसका मोबाइल नंबर इसके बैंक से लिंक नहीं था, और ये दिया था, इसको लगा हो गया, पर अभी हुआ नहीं है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, उस पेन तो वहीं रुक गया था, तो अब हम लोग जा रहे हैं उसी के पास, फिर चलते हैं घूमने के लिए। सूरज की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म होते हुए हम पूछे पेट्रोल कब डलवाए, कह रहा है पेट्रोल अभी डलवाए थे 300 का। हम पूछे कब, कह रहा है 4 दिन पहले। स्कूटी में 4 दिन पहले तेल डलवाया था, और कह रहा है कि अब भी जल्दी ख़त्म हो गया। और इसका हाल ये देख रहे हैं आप भाई, कैसे कैसे लोग यार। गाइस आ चुके हैं हम फिर से एक बार, ये रहा अपना नया पुल, दिख रहा है आपको, ये देखिए इसको लगा टाइट है। चलते हैं दिखाते हैं, वहाँ पे शिप खड़ी है, नाव बोट जो बोली है आप, और ये शायद अभी चल नहीं रही है। ये किस लिए है वैसे? घूमने के लिए, हम लोग घूमने जा सकते हैं। हाँ पर पर हम जाएंगे नहीं घूमने, हम लोगों को डर लगता है और पैसा भी लगता है। वैसे पैसे वाली बात नहीं है, हम लोग को डर लगता है इसलिए नहीं जाएंगे। और गाइस यहाँ देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है, चलो चलो। तो मेरी आवाज़ गलत ख़राब है, आपको सुनाई दे रहा होगा। आ गए हैं गाइस, मेरा गला ख़राब है, आप लोगों को बताया था आवाज़ कैसी आ रही है, बहुत धीमे आ रही होगी। और आज के हम इस पर, ये देखिए पानी के ऊपर नील रहा है, ये एकदम मस्त। आ इधर इधर उसमें, इधर आओ। हाँ भाई यहाँ पे यार देख रहे हैं स्टीमर, एक खतरनाक है भाई। हाँ ये हिल रहा है ये, अरे यार खतरनाक। सबसे बड़ी वाली इलाहाबाद में भी आज पता चला कुछ है और क्या, वो वाली उस तरफ नहीं जा सकती, ये बंदा है, बाकी वो वाली स्टीमर ज़्यादा अच्छी लग रही है। जा सकते हैं, बंदा है तो कहाँ से जाओगे पूछो, जाओ ये फंस गया।
देखा मना क्या नाम है इसका क्या नाम है इसका अच्छा अरे नहीं मतलब कुछ नाम होगा ये मशीन वाले ना ये देखो नाम सब ऊपर लिखा हुआ है रेट लिखा हुआ है क्षमता अच्छा रेट भी लिखा है ओहो यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं भाई साहब इतना महंगा को पैसा पर एक एक हजार रुपए 5,000 रुपए 1,500 रुपए कोई 50 रुपए नहीं लिखा है अबे 50 रुपए कहीं नहीं लिखा है देख ओ भाई छोड़ो हम लोग को घूमना वैसे भी नहीं है हम लोग देखने आए थे भाई साहब अपना ये नया पुल मस्त दिख रहा है यहाँ से पर धूप भी लग रही है यार ये वाले मस्त लग रहे हैं पैंडल वाले क्या ही मस्त नज़ारा है इसको खोलो बताएं ये बताएं जल्दी जल्दी से चले खोल के बैठे हैं उस पार निकल के भाग चले ये आए हाय आए हाय गाइस चलते हैं अब दूसरी जगह पे देखते हैं यहाँ पे एक बगल में पार्क है वहाँ पे और वहाँ पे चल के देखते हैं क्या है दिखाते हैं आपको तो चलते हैं चलो ये नया ब्रिज वो ओल्ड ब्रिज पुराना ब्रिज ये नया ब्रिज दोनों के बीच में हैं हम लोग और ये जी उधर गंगा जी इधर यमुना जी और बहुत ही गहरा है पानी और अब हम चल रहे हैं दूसरी तरफ छोटी सी मोटा सा पार्क ये है क्या सही पार्क नहीं शहीद वाला गाइस बस वो रहा पुल हम लोग उस पार थे अब इस पार आ चुके हैं और इधर है संगम संगम भी चलने वाले हैं बहुत ही जल्द आ गया है टाइम संगम जाने का हर साल जाते हैं इस बार भी आपको घुमाएंगे और चल रहे हैं हम यहाँ से चलो वहाँ पे रील शूट हो रहा है और हम लोग अब चल रहे हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था चलते हैं दूसरे पार्क में देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है जो भी था ठीक ही ठाक था तो गाइस चलते हैं अब दूसरे पार्क में अब मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा चलते मिलेंगे फिर आप कह रही बार बार हॉट स्पॉट दे दो गाइस अब जा रहे हैं हम पुल पे जो पुल आपको दूर से दिखाया था ये देखिए अब जा रहे हैं इस पुल के ऊपर और दिखाते हैं आपको क्या ही मस्त सीन आने वाला है अब और हमारे साथ अभी कुछ अजीब सा चीज़ हुआ है तो क्या ही बोल रहे थे वो लोग हमें समझ में नहीं आया तो वो आ रहा है पुष्पेंद्र चलते हैं ऊपर बहुत ही मस्त मज़ा आने वाला है चलते हैं गाइस ये रहा अपना पुल और ये रहे हम और बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखिए ये फ़ोटो खिंचाने के लिए पोज देना शुरू हो चुका है और अभी जस्ट आए यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो क्या ही बताएं आपको इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो भाई लोग अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से चलते हैं अब दूसरे जगह पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था इसलिए हमने नहीं बनाया वीडियो ज़्यादा चलो दूसरे पार्क में वहाँ से यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा पार्क है ये है कुछ ये कौन सा पार्क है मिंटो पार्क है तो ये मिंटो पार्क में है जस्ट ब्रिज के बगल में ही है और यहाँ पे कुछ हमको लग नहीं रहा कुछ खास है वैसा बस लोग आते हैं घूमने टहलने के लिए और ये देखिए यहाँ पे गाड़ी भी चल रही है वाह वाह क्या ही सीन है अब क्या दिखाओगे कुछ ऐसा दिखाओ कुछ नया हाँ, ये क्या नया दिखाओ ना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है रील्स का जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई दिख ही जाता है रील बनाते हुए वहाँ पे भी देखिए वो लोग रील शूट कर रहे हैं वो देखिए है।
वो देखिए दिख रहा है आपको। और ये रहा अपना मेन व्यू, मतलब जिस चीज के लिए ये पार्क बना है, स्तंभ। चलो जो भी है और चले भाई साहब, वो पालतू है, उसको छेड़ना उसको बेकार है। और गाइस यहाँ पे टिकट ले रहे थे, हमें पता भी नहीं था, हम अंदर गए घूम के चले भी आए, बाहर आए तो पता चला टिकट ले रहे थे। तो अब क्या, अब चलते हैं वापस, यहाँ ज़्यादा कुछ खास ऐसा था नहीं, चलते हैं। अगर देखते हैं कहीं जाते तो घुमाएंगे, वरना घर तो चलते हैं पहले, देखते हैं कहीं पे जाते हैं तो। चलो गाइस, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते से तो हनु मिल गया, और अब हाँ कुज्जू भी आ रहा है, वो बोला चलना है कॉलेज, तब उसके कॉलेज चलेंगे। और बढ़िया, हम लोग रेडी, वो दोनों रेडी होने जा रहे हैं, तो फिर चलते हैं इसके कॉलेज जूसी, और दिखाते फिर वहाँ पे कि हम लोग कहाँ पे जाते हैं। चलते हैं अभी, तो गया रेडी होने पुज्जू, अभी हनु भी जाएगा, तो फिर चलते हैं उसके बाद फटाफट वहाँ से आपको घुमा के लाते हैं उसके कॉलेज। चलते हैं, थोड़ा दूर है, मज़ा आएगा। हमारी यात्रा सफल हो। तो गाइस थोड़ा दूर है इसलिए हमें टाइम लग रहा है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 किलोमीटर। और उस पर हनु और उसके बैठे, हम साथ बैठे चलते हैं। अब हम खा पी चुके हैं, अभी कॉलेज बहुत दूर है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको कॉलेज में, बाय बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच गए कॉलेज, और कुज्जू का कॉलेज बस थोड़ा सा दूर और है, बगल में ही है, तो गांव में है, और इसका कॉलेज थोड़ा गांव में पड़ता है, शहर से थोड़ा दूर, हमारे घर से तो काफ़ी दूर है, 40 किलोमीटर। और आ ही गए हैं फिलहाल, देखते हैं वो रहा कॉलेज, दिखने लगा है अभी, चल के आपको दिखाते हैं। गाइस ये रहा कॉलेज, दिख रहा है आपको, बस तो आ गए फाइनली कॉलेज में, जाओ अपना काम करो फिर चलते हैं घर। हाँ जाओ। तो गाइस वहाँ पे कुछ हो रहा है, वो कॉलेज का प्रोग्राम हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे, हम लोग बाहर के लोग, हमें क्या पता, जंगल कॉलेज एक जंगल में बसा हुआ है, बाथरूम बाहर जाके उस साइड से कहीं भी कर लो, सब अपना एरिया। और ये हम लोग बाहर हैं, वो गए अपना कुछ काम था उसका, इसलिए आया था। कॉलेज का क्या नाम है, क्या नाम है इस कॉलेज का, रज्जू भैया इंटर कॉलेज। तो हनु बताओ। तो गाइस जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यही वो कॉलेज है जहां से एमसी स्टैंड ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। सच्ची? हाँ। ऐसी कोई बात है क्या? ऐसी ये बात सच है, यही से एमसी स्टैंड ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। ओ भाई, और वो बम्बई का रहने यहाँ कॉलेज किया था? नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं, पर कि आज तो MC Stan, हाँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग हाँ, करते आज हैं। तो वो कुछ और ही है। हाँ, तो शुरुआत में इन्होंने इसी क्लास से शिक्षा ग्रहण की, एंड फिर आगे से उन्होंने मुंबई में अपना करियर बनाया। अरे वाह भाई वाह, तो सुना ये सारी बातें झूठी ये सारी बातें झूठी है, ये फ्रॉड है, बस MC Stan का फैन है और उसको मतलब ऐसे ही बता रहा था, झूठी कुछ भी नहीं था। तो गाइस ये MC Stan का कॉलेज नहीं है, ये मजाक था एक। तो बस हो गया, फाइनली हम आ चुके हैं, अब हमें क्षमा करें इसको, ये इसी ने MC Stan के बारे में झूठ बोला। गेम हो रहा है ना? हाँ गेम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे गेम, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट लिए? अरे हम इतनी दूर फिर हो जाएंगे क्या? अच्छा तो ये देखिए, यहाँ पे ऊंची कूद, हाई कूद, जो भी सारे गेम हमने, ऑल टोटल गेम जो भी खेलना हो आपको, जो हमने खेले थे उसी तरह के यहाँ पे सारे गेम है, पता है हमने दिखाया था आपको, मेरे एक ब्लॉग में है, मैंने भी ये सारे गेम खेले हैं। और बस इसका काम हो ही चुका है, हम लोग चलते हैं यहाँ से। और ये रहा MC Stan का फैन, अपना भाई आप MC Stan के, मैंने सुना बहुत बड़े फैन है। तो गाइस मैं MC Stan का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैंने उनकी उसका स्ट्रगल देखा है, उनकी पूरी लाइफ के बारे में मैंने पढ़ा है, जर्नी उनकी मैंने पढ़ा है। हाँ, कहाँ पे? एक नोबल में उनके बारे में। इतना बड़ा झूठा
अरे झूठा यहाँ पे भी झूठ। हाँ चलो ठीक है गाइस, ये बहुत बड़े एमसी स्टैंड के फैन हैं, तो हम इनसे एक रैप सुनना चाहते हैं। आप हाथ मिला लीजिए, हाथ मिलाने के लिए हम फैलाए हैं और हाथ नहीं मिला रहे हैं। आप आइए किनारे, यहाँ थोड़ा शोर हो रहा है, तो हम इनसे एक रैप सुनना चाहते हैं क्योंकि ये उनको फॉलो करते हैं बहुत सालों से। तो एक एमसी स्टैंड का रैप सुना दीजिए, हस्ती का बस्ती। मैं हस्ती का बस्ती ब्रो। तो आप मेरा है मुंडे मेरा है रहे आप ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ा सा ब्राउन मुंडे यार ब्राउन मुंडे एमसी स्टैंड का गाना भाई, ये फ्रॉड है, ये 100% फ्रॉड है, ये झूठा एमसी स्टैंड बना है। हाँ तो सुना, हाँ सुना, हाँ भाई समझ में आया क्या? हाँ भाई एक नंबर का पराठिया आदमी है, झूठ बोल रहा है, ये हर बार झूठ बोल रहा है। हम सुनाते हैं, मैं हस्ती का बस्ती ब्रो, आ गए भाई लोग कल्टी लो, बम में बचाया बच्ची को, समझे क्या, समझी क्या, समझी क्या। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये खराब अच्छा और ये कोई कुछ भी नहीं है, गाना अगर कह दीजिए गा के सुना दे तो हम जान लें। तो गाय आप बताइए, गा के बताइए। हाँ आप किनारे आइए, इनको कोने में ले चलिए, इनको कोने में ले चलिए, इनको बताते हैं, ये फ्रॉडिया लोगों को बताते हैं, चलिए कोने में ले चलते हैं इनको। हाँ अगर ये एमसी स्टैंड का फैन है तो उसके बारे में मतलब उसकी कोई अच्छी खूबी या फिर या एक रैप रैप ये हमको सुना दे, सुना दे तो हम मान जाएंगे। हाँ सुनाओ, नंबर का फराठिया है हर अच्छा। बार झूठ बोलता है एमसी स्टैंड के बारे। आप यही रहते हैं इसलिए आपको पता हुआ? अच्छा, हमको अच्छे तरीके से जानती है, डेली बिग बॉस देखता हूँ, उससे पहले से एमसी स्टैंड का फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बीट आउट, नो नो नो, लॉल, शेमड़ी शेमड़ी शेमड़ी, बीट आउट ब्रो, बीट आउट, ये देखिए चल शेमड़ी, आपको पता चल गया बीट ऑन ऐसे होता है, कैसे किया है ऐसे ऐसे, ये गलत है, ये प्राणिया है, इसको मारो। आप लोगों को पता चल चुका है फ्रॉड है, स्टैंड का मैं देखिए फिर शुरू हो गया। गाइस क्या ही बताएं, आप क्या कर रहे हैं, इसकी शक्ल लगती है कहीं से? इसकी शक्ल कहीं से नहीं लगती है गाइस, ये नहीं बोल पा रहा। तो गाइस हम उसको भगा चुके हैं, एक नंबर का फराडिया, एक नंबर का। तो अब हम चलेंगे घर, अब मिलेंगे आपको घर पे, बाय गुड बाय। गया रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं।